तो आज हम बातें करेंगे मसूर और मटर में लगने वाले रोग और उसके कीट प्रबंधन के बारे में। देखिए, दलहन एक ऐसी फसल है जिसमें प्रायः एक ही प्रकार के कीड़े लगते हैं। जैसे जो मसूर में कीड़ा लगता है, वो भी मटर में एक तरह का कीड़ा लगता है। और रही कि शुरुआती के दौर में अगर किसान भाई अगर जो हमारे मसूर या मटर की खेती करते हैं, तो जैसे मसूर या मटर की फसल 25-30 दिन की होती है, तो उसमें एक रस चूसने वाला कीड़ा लगता है। और रस चूसने वाले कीड़े जो हैं कि खास करके मसूर को भी इसमें खास करके माहू है, चूस करके मुलायम पत्तियों से, तनावों से पौधों को कमज़ोर करता है। उसी प्रकार मटर में भी लगता है। और मटर में एक और विशेष प्रकार का कीड़ा लगता है जिसको हम लोग लीप माइनर कहते हैं। उसमें देखें किसान भाई, पत्तियों पर जो कीट हैं, उसके जो सुंडी है उसके अंदर रह कर खा करके माइन बनाते हैं। माइन बना मतलब धागा नुमा दाग बनाते हुए खाते रहते हैं पौधों को, पत्तियों को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे पत्तियां जो है वो अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है, उससे काफ़ी नुकसान रहता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कीड़ा है खास करके जो जैसे ही फलियाँ बनती है, तो उस समय वो फल छेदक समूह के कीड़े होते हैं जो कि मटर हो या मसूर हो, उसके फल को छेद करके कीड़ा को नुकसान पहुँचाते हैं और काफ़ी मात्रा में हानि पहुंचाते हैं। इससे किसान भाई अगर मटर या मसूर लगा रहे हैं तो पहले तो बीजोपचार कर लें। बीजोपचार कर देने से क्या होता है, कीटनाशी से जैसे इमिडाक्लोफ्रिड 600 FS से अगर बीजोपचार कर दिए, तो उससे परिस्थितियों में पहले 30 दिन तक कोई रस चूसने वाले कीट नहीं लगते हैं। और जो जैसे कोई किसान भाई लगा दिए, खास करके अगर मसूर लगा रहे हैं तो 6 लाइन मसूर के लगाएं, 2 पंक्तियाँ उसमें सरसों लगा दें। इस तरह से अगर इंटरक्रॉप भी करते हैं तो बहुत सारे कीट का प्रकोप से बचाता है। और ख़ास करके मटर में माहू से बचने के लिए अगर किसान भाई की अगर खेती कर रहे हैं, तो जिस खेत में मटर लगाए हुए हैं उसके चारों तरफ 2 लाइन मक्का लगा दें। मक्का का लगा देने से क्या है कि एक बैरियर क्रॉप का काम करता है, इससे बहुत सारे जो हवा से कीट जो जाते हैं वो मक्का रोक लेता है, रोक लेता है और उससे काफ़ी बचाव हो जाता है। रस चूसने वाले कीड़े खास करके माहू का प्रकोप देखा जा रहा है, तो उन परिस्थितियों में किसान भाई पीला ट्रैप, येलो ट्रैप जो होता है उसको लगाएं। वो एक ट्रैप होता है पीला सा, उसमें चपचपा सा लगा रहता है, उसे लगा देंगे 10 भी प्रति एक हेक्टेयर लगा देंगे, तो उससे क्या होता है कि रस चूसने वाले कीड़े खास करके हैं पीले रंग की तरफ आकर्षित होते हैं और चिपक के मर जाएंगे। और मैं किसान भाइयों को यह भी कहना चाहूँगा, अगर वो बाज़ार से नहीं खरीद पाते हैं ट्रैप, तो उनके यहाँ अगर पीला रंग उनके यहाँ अगर चदरा वगैरह है तो वो खुद वो बना लें, उससे उसको पीले रंग से रंग दें, और रंगने के उपरांत उसमें अलसी का तेल या कोई भी चिपचिपा चीज़ लगा करके खेतों में लगा दें, तो देखेंगे कि उसमें रस चूसने वाले कीड़े आके चपक करके मरते जाएंगे और इससे काफ़ी बचाव हो जाता है। जब शुरू में जो कीड़े आते हैं रस चूसने वाले, खास करके माहू, वो बहुत ही पंख वाले होते हैं और आते के साथ वो देखते हैं पौधे पर आते हैं और अपनी संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। फल छेदक समूह का कीड़ा है और ये कीड़ा जो है बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। जैसे मसूर हो गया, मसूर का जो फल छेदक कीड़ा है वो ठंडा को पसंद करता है, ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो कीड़े आते हैं लिंटिल पॉड जिसे कहते हैं और उसे नुकसान पहुँचाते हैं। और दूसरा एक फल छेदक कीड़ा होता है जो कि फलों को खाता है, वो देखेंगे उसे पिल्लू होगी, मटर में भी आधा सर्कुलर छेद बनाते हैं और आधा शरीर घुसा करके दानों को खाते हैं और वो बाहर रखते हैं। तो इस कीट का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कीड़ा जो है काफ़ी पर्याप्त में मात्रा में नुकसान पहुँचाता है। और मैं यह किसान भाइयों को यह बोलना चाहूँगा, अगर वो एक दो कीड़ा देखते हैं तो दवा का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे होता है क्या कि बेवजह में दवा से का नुकसान होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है किसान भाई अपने खेत का मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग करने के लिए गंध पास होता है जिसको फेरोमोन ट्रैप कहते हैं, उसको खेतों में लगा दें। अगर उसमें देखते हैं कि प्रति रात 5 कीड़े आके फंस रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई एस्पाइनोसाड नाम की दवा आती है, जिसकी 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें, मसूर हो या मटर हो, उससे काफ़ी बचाव हो जाता है।